गुड इवनिंग फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं ठीक ही होंगे। आप लोगों के कहने पर मैंने अंतरराष्ट्रीय संगठन का पार्ट लेकर आया हूं। आपको पता होगा इससे रिलेट करके चाहे तो एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन 100% हर एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, चाहे आपका बिहार दरोगा हो, यूपीएसआई, हर एग्जाम में चाहे तो इसका हेडक्वार्टर पूछ देगा, चाहे तो आपको इनसे क्या पूछ देगा, इनका चेयरमैन कौन है, इनमें कितने सदस्य देश है, इसकी स्थापना कब हुई थी। लेकिन बहुत सारे लड़के ने मुझे ये कहा कि सर पॉलिटी का लिंक नहीं मिल पाता है, तो पॉलिटी का प्लेलिस्ट बन चुका है। जिनका प्लेलिस्ट नहीं बना है उसका लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दी जाएगी, ठीक ना। उसमें अभी जो आपका वीडियो अपलोड होगा इसमें आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी, ठीक ना। पॉलिटी का क्लास जरूर जुड़ी है क्योंकि इसमें हिस्ट्री का भी पार्ट कंप्लीट कराएंगे, ठीक। चलिए हम लोग चर्चा करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ, ठीक ना। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय संगठन में, तो संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना कैसे हुआ, बस दो मिनट में हम लोग चर्चा करें। तो आपको पता होगा 1914 से लेकर 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। इसके बाद वर्साई की संधि हुआ था, जो भी राष्ट्र हार चुके थे उन पर आरोपित किया करके उनका क्षेत्र अधिकार छीन लिया जाता था, तो इसी को वर्साई का संधि या आरोपित संधि कहा जाता था। 10 जनवरी 1920 को राष्ट्र संघ का स्थापना किया गया था, लीग ऑफ नेशन, हेडक्वार्टर जेनेवा, संस्थापक थे वुड्रो विल्सन। लेकिन इसका नियम क्या था कि कहा था कि द्वितीय विश्व युद्ध फिर दूसरा ना छिड़े, इस वजह से इस राष्ट्र संघ का स्थापना किया गया था, लीग ऑफ नेशन का। लेकिन इसमें नियम था कि कोई भी देश अगर इसका मेंबर बने तो वह देश मेंबर बनने के लिए क्या किया जाएगा, उनको उनके संसद से पास होना पड़ेगा। लेकिन अमेरिका संसद जो है, कांग्रेस, जो अमेरिकी संसद है कांग्रेस, इसका खुद इनका विरोध किया था, इसलिए यह अमेरिका इनका खुद मेंबर नहीं बन पाया था जो कि इसका संस्थापक देश था। इसी वजह से यह जो अंतरराष्ट्रीय संगठन है फ्लॉप रहा। बाद में क्या हुआ कि आपको पता होगा 1929 और 30 में विश्वव्यापी आर्थिक मंदी आया था, आज तक के इतिहास में इतना बड़ा विश्वव्यापी आर्थिक मंदी नहीं आया था। इसी के बाद दो नए महाशक्ति का जन्म हुआ, एक का नाम हुआ इटली में मुसोलिनी, ठीक ना, और जर्मनी में हिटलर। यानी ये दोनों ने क्या किया, बाद में इसी जो वर्साई का संधि है इनका उल्लंघन किया, और फिर जाकर 1933 में जो है क्या किया था, जर्मनी का जो ये चांसलर बने थे कौन, हिटलर, तो 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर आक्रमण कर दिया और द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। और द्वितीय विश्व युद्ध शुरुआत होने के बाद, फिर कोई तृतीय विश्व युद्ध ना छिड़े। द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब चला था, 1939 से 45 के बीच में, लेकिन 1939 और 1945 के बीच में जो यह युद्ध चला था, दोनों में कौन जीता था, मित्र राष्ट्र। एक में प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की बुरी तरह हार, और यहां से द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की बुरी तरह हार। तो द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 के बीच चला था, तो इसके बाद कोई तृतीय विश्व युद्ध ना हो तो इसके लिए किसकी स्थापना किया गया, संयुक्त राष्ट्र संघ का। देखो संयुक्त राष्ट्र संघ जो है यह एक ऐसी संगठन है जो दुनिया का सर्वोच्च सबसे बड़ा संगठन है। देखो इसका स्थापना हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को। कब हुआ था, 24 अक्टूबर 1945 को, जब इसकी हस्ताक्षर हो रही थी। तो जब हस्ताक्षर हो रहा था इसके स्थापना के समय, तो इसमें टोटल 50 देश ने हस्ताक्षर किया था। ये आपके एनटीपीसी में पूछ दिया था, जब संयुक्त राष्ट्र का हस्ताक्षर हो रहा था तो उस समय कितने देश शामिल थे, तो 50 देश। लेकिन 51 देश कौन जुड़ा, तो 51 देश जुड़ा पोलैंड। कौन जुड़ा, 51 देश पोलैंड बना। 51 देश कौन सा बना, तो पोलैंड बना। फिर जाके इसका स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को किया गया, क्लियर है। संयुक्त राष्ट्र का हस्ताक्षर के समय 50 देश था, 51 देश पोलैंड बना था, और भारत इसका मेंबर 6 दिन के बाद बना, यानी 30 अक्टूबर 1945 को। इसके संस्थापक थे फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, जो अमेरिकी राष्ट्रपति थे द्वितीय विश्व युद्ध के समय में भी, तो इसी ने इसकी स्थापना किया था। और इसके मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क के मैनहट्टन द्वीप में, अमेरिका में। कुल अंग कितने हैं, 6, आगे हम लोग पढ़ेंगे। कुल भाषा है 6, 6 में कौन कौन सा, रशियन है, अरबी है, चाइनीज है, मलारियन चाइनी है, ठीक ना, और स्पेनिश है। तो यानी टोटल 4 भाषा, और इनकी कार्यकारी भाषा कितना, अंग्रेजी तथा फ्रेंच। देखिए एनटीपीसी में इस प्रकार से पूछा गया था कि इनकी कार्यकारी भाषा क्या है, तो अंग्रेजी तथा फ्रेंच, लेकिन इसकी कुल भाषा 6 है, रशियन, अरबी, चीनी, स्पेनिश और अंग्रेजी फ्रेंच, ठीक ना। कुल देश तो 193, लेकिन शुरुआत में इसके स्थापना के समय कितने देश, 51 देश कौन था, पोलैंड था।
लेकिन हस्ताक्षर के समय कितने देश? 50 देश। और संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाते हैं? 24 अक्टूबर को। क्यों? क्योंकि संयुक्त राष्ट्र का स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को किया गया था, इसलिए संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर। अंतिम सदस्य देश कौन जुटा था? दक्षिणी सूडान, कब? 2011 में। क्लियर ना? चलिए, पहले महासचिव थे इनके त्रिगवेली। कौन थे? त्रिगवेली। पहले महासचिव थे त्रिगवेली, जो नॉर्वे के थे। और आपको पता होगा पहले एशियाई महासचिव थे यू थाट। कौन थे? म्यांमार के यू थाट। और ये पहले कार्यवाहक महासचिव भी थे। वर्तमान और नौवे महासचिव है एंटोनियो गुतेरस। कहां के है? पुर्तगाल के। ठीक ना? भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन है? टीएस त्रिमूर्ति। देखिए पिछला बार जो था जो सैयद अकबरुद्दीन था, लेकिन इसके स्थान पर भारत के स्थायी प्रतिनिधि जो है टीएस त्रिमूर्ति है। इनके प्रतीक जो है जैतून की शाखाएं प्रतिनिधित्व करती है शांति का। देखिए इनका लोगो होता है, लोगो जो होता है इसका रंग होता है सफेद प्लस नीला। कैसा है इसका रंग? लोगो का सफेद प्लस नीला। लेकिन इस लोगो में क्या क्या है? तो एक विश्व का मानचित्र है, विश्व का मानचित्र प्लस जैतून की शाखाएं। क्या है? जैतून की शाखा और विश्व का मानचित्र और जैतून की शाखा है। अब देखो जैतून की शाखा पूछा गया था एनटीपीसी में, किसका प्रतिनिधित्व करता है? शांति का। लेकिन विश्व का मानचित्र किसका प्रतिनिधित्व करता है? संयुक्त राष्ट्र में सभी देश तथा उनके लोगों का। ठीक ना? लेकिन इसके लोगों में क्या क्या है? कौन सा रंग है? सफेद और नीला। क्लियर यहां तक? यूएनओ को 2001 में नोबेल शांति पुरस्कार मिल चुका है। और आपको पता होगा संयुक्त राष्ट्र को उस समय कोफी अन्नान थे। कौन थे? कोफी अन्नान किस देश के थे? कमेंट करके बताओ। यह 2001 में यह सातवें महासचिव थे। क्या में महासचिव थे? सातवें महासचिव थे। और संयुक्त राष्ट्र के सातवें महासचिव थे जिसे संयुक्त रूप से नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया। किसको? किसको? संयुक्त राष्ट्र और संयुक्त राष्ट्र के महासचिव को। ठीक ना? इसके अच्छे कर्म के लिए, तो अच्छे कार्य के लिए सातवें महासचिव थे। और इसे बताना है कि कोफी अन्नान किस देश के थे। देखो उसके बाद संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंग आता है जैसे कि महासभा। इसमें सभी देशों का प्रतिनिधित्व शामिल होता है। तो अगर पूछा जाए कि भारत किसमें शामिल है, तो भारत महासभा में शामिल है। इसे विश्व का लघु संसद कहा जाता है। आपको पता होगा इसे विश्व का लघु संसद इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि ये प्रत्येक वर्ष बजट पेश किया जाता है। और आपको पता होगा ये विश्व का लघु संसद इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि दुनिया के लगभग 193 देश इसी में शामिल होते हैं, महासभा में। और यह प्रत्येक वर्ष बजट पेश करता है। हमारे लोकसभा, हमारे संसद के लोकसभा में भी तो बजट पेश होता है। ठीक ना? तो इसलिए इसे विश्व का लघु संसद भी कहा जाता है। प्रत्येक वर्ष बजट तैयार किया जाता है, इसमें सभी देशों का प्रतिनिधित्व शामिल होते हैं। इनका कार्य क्या है? नए देशों की सदस्यता, प्रत्येक वर्ष बजट पेश करना। इनके अध्यक्ष का कार्यकाल होता है 1 साल। देखिए इनमें पहली महिला या भारत की एकमात्र अध्यक्ष बनी थी विजय लक्ष्मी पंडित। और आपको पता होगा वर्तमान अध्यक्ष है बोलकन बोजकिर। कौन है? बोलकन बोजकिर। देखो उसके बाद आता है सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद जो पार्ट आता है इसे दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है, सिक्योरिटी काउंसिल। ये क्या करता है? दुनिया का, आप एक प्रकार से कह सकते हैं दुनिया में जो अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापित करने का श्रेय इसी जो संयुक्त राष्ट्र के अंग को जाता है। इनमें कुल देश है 15। इसमें याद रखना है इसमें अस्थाई कितने हैं? तो अस्थाई है 5 और अस्थाई कितने हैं? तो 10 है। अस्थाई कितने हैं? तो 10। तो टोटल कितना हो गया? 15। देखो अस्थाई सदस्य देश में कुल 5 देश होते हैं। ट्रिक से याद रखना है फ्रेस, एफ आर ए सी ई। एफ से हो गया फ्रांस, आर से हो गया रशिया, ए से अमेरिका, सी से चाइना, ई से इंग्लैंड। यानी कितने देश है इसमें? 5 देश। तो अस्थाई सदस्य देश कितने? 5। फिर से सुनिए, सुरक्षा परिषद को दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है क्योंकि संयुक्त राष्ट्र का ऐसा अंग जिसमें असली पावर इसी में दिखता है। और ये इसका कार्य है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति स्थापित करना। इनमें कुल देश 15 है, अस्थाई में 5 और अस्थाई में 10। तो अस्थाई सदस्यता में कुल कितने? तो 5 होते हैं। ट्रिक से कैसे याद रखना? फ्रेस, एफ आर ए सी ई। एफ से फ्रांस, आर से रशिया, ए से अमेरिका, सी से चाइना और ई से इंग्लैंड। इन सभी देशों को बिट्टो पावर यानी निषेध अधिकार। बिट्टो का मतलब क्या होता है? विशेष अधिकार, यानी कोई भी बात को रोकने का शक्ति, यानी मान लो रोकने का शक्ति, रोकने की अधिकार, मान लो रोकने का अधिकार। तो बिट्टो पावर जैसे भारत में राष्ट्रपति को भी दिया जाता है। तो यह जो निषेधाधिकार है, शक्ति दिया गया, सबसे पहले बिट्टो पावर का प्रयोग अमेरिका किया था। लेकिन सबसे ज्यादा बार बिट्टो पावर का प्रयोग पूर्व सोवियत संघ किया था। सबसे पहले बिट्टो पावर का प्रयोग अमेरिका किया था रेडेशिया के विरुद्ध, लेकिन सबसे ज्यादा बार बिट्टो पावर का प्रयोग पूर्व सोवियत संघ यानी रशिया किया था। और इसके अस्थायी सदस्य की बात किया जाए तो इसमें कुल देश 10 होते हैं, लेकिन इसका कार्यकाल 2 वर्षों का होता है। इनमें क्या है कि इनमें सबसे ज्यादा बार चुने गए हैं जापान। कितना बार? 13 बार। जापान कितने बार चुने गए हैं? 13 बार। जापान कितने बार चुने गए हैं? 13 बार।
इस अस्थाई सदस्य में जापान 13 बार चुने गए हैं, लेकिन याद रखना है कि इनमें भारत पहली बार कब चुने गए थे, तो भारत पहली बार 1950-51 में चुने गए थे। कब चुने गए थे? 1950-51 में। और आपको पता होगा इस अस्थाई सदस्य में भारत आठवीं बार चुने गए हैं। क्यावीं बार चुने गए हैं? आठवीं बार। और 2021-22 के लिए भारत चुने गए हैं, भारत चुने गए हैं। इसके साथ साथ चार देश भी चुने गए हैं। कौन कौन? नॉर्वे, मैक्सिको, यूपीपीसीएस में पूछा था, मैक्सिको, आयरलैंड और भारत, ठीक ना। इसी 2020 वाले जो 19 वाला जो हुआ था यूपीपीसीएस, उसी में पूछा गया था कौन कौन सा देश को शामिल किया गया, भारत, नॉर्वे, मैक्सिको और आयरलैंड। इसमें एक ऑप्शन दिया था कनाडा, कनाडा इसमें नहीं होगा, ठीक ना। भारत, नॉर्वे, मैक्सिको, आयरलैंड, कौन कौन से देश को? चार देशों को 2021-22 के लिए चुना गया। क्लियर ना? चलिए अब अगली बात आता है। इसका कार्यकाल होता है 2 वर्ष। भारत अभी तक आठवीं बार चुना गया है, कब तक के लिए? 2021-22 के लिए। क्लियर ना? चलो अगला पॉइंट आपका आता है सचिवालय। सचिवालय का कार्य क्या होता है? जैसे आप मान लो बिहार में सचिवालय है, सचिवालय क्या करता है? सरकार के सारे कार्यों का देखरेख करता है। उसी प्रकार से संयुक्त राष्ट्र के सभी प्रशासनिक कार्यों को देखता है, जिसका प्रमुख होता है महासचिव। इससे पहले हम लोग चर्चा कर चुके हैं, पहले महासचिव कौन था? त्रिगवेली। और पहले एशियाई महासचिव उथाट। और वर्तमान नौमे कौन है? तो वर्तमान नौमे है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है एंटोनियो गुतेरस, जो पुर्तगाल के। इसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 साल का, ठीक ना। प्रन्यास परिषद, देखो प्रन्यास परिषद जो है इसे समाप्त कर दिया 1994 में। इसे कहा जाता है ट्रस्टीशिप काउंसिल। क्या बोलते हैं? ट्रस्टीशिप काउंसिल। क्या है ये? आपको पता होगा 1945 के बाद दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश था जो आजाद नहीं हो पाए, बहुत सारे ऐसे देश था जो आजाद नहीं हो पाए, लेकिन किसी न किसी कारण के वजह से बहुत सारे देश ऐसे थे आजाद नहीं हो पाए, बहुत सारे ऐसे देश थे जिनका, जैसे कि उसमें भारत में शामिल था, जैसे कि आप कह सकते हैं उसका संविधान नहीं था, बहुत सारे देशों का अपना विकसित नहीं, मतलब आदिम क्वालिटी का देश था, तो उनके लिए क्या किया कि कहा कि जो भी इसके जो भी विकसित देश है वह प्रन्यास परिषद में क्या करेगा, उन सब देशों को सहायता करके उसे स्वतंत्र करेगा, और स्वतंत्र करके उसे एक विकासशील देश की श्रेणी में लाया जाएगा। तो यह जो प्रन्यास परिषद है, लेकिन इसे 1994 में समाप्त कर दिया। एक प्रशांत महासागर में देश था पलाऊ, ठीक ना। अंतिम सदस्य देश जो था इसका प्रन्यास परिषद से स्वतंत्र हुआ था, अंतिम स्वतंत्र देश बना था पलाऊ, जो अमेरिका के द्वारा स्वतंत्र हुआ था। किसके द्वारा? अमेरिका के क्षेत्र से स्वतंत्र हुआ था, क्योंकि प्रशांत महासागर एरिया में यह पड़ती है। आर्थिक और सामाजिक परिषद इकोसॉक, इसमें कुल देश है 54, सदस्य देश का कार्यकाल है 3 वर्ष, लेकिन भारत लैंगिक समानता और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए चीन को हराकर सदस्य बना है। देखो इसमें क्या नियम था, इसमें भारत को 118 वोट चाहिए था, लेकिन भारत 182 वोट जीतकर क्या किया, चाइना को हरा दिया, जो लैंगिक समानता और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए चीन को हराकर। यह पूछा गया एग्जाम में कि भारत ने जो आर्थिक एवं सामाजिक परिषद का लैंगिक समानता या महिलाओं के सशक्तिकरण का मतलब होता है मजबूतीकरण, तो लैंगिक समानता यानी महिलाओं तथा पुरुषों को समानता देना, तो किस देश को हराकर बना है? चाइना को हरा। इसमें भारत वर्तमान में 3 निकायों के सदस्य चुने गए। संयुक्त राष्ट्र जो विश्वविद्यालय है, इसका स्थापना हुआ था 1975 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? टोक्यो जापान। कहाँ है मुख्यालय? टोक्यो जापान। कहाँ है मुख्यालय? टोक्यो जापान। अब देखो कुछ पॉइंट आपको याद रखना है, जैसे कि आपको एक और संस्था आता है इसके अंतर्गत, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। क्या आता है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इस अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अर्थ देखो, इसका स्थापना हुआ था 1946 में। कब हुआ था? 1946। देखो संयुक्त राष्ट्र का ये जो छठा अंग है, ये जो छठा अंग है संयुक्त राष्ट्र का, सभी का मुख्यालय है न्यूयॉर्क के मैनहट्टन द्वीप में, लेकिन इसका अंग जो है, इसका अंग है द हेग में। हेडक्वार्टर कहाँ है? द हेग में। द हेग कहाँ है? तो यह है द पीस, द हेग, नीदरलैंड, ठीक ना। और आपको पता होगा कि इनके सदस्य कितने होते हैं, इसमें कुल न्यायाधीश कितने होते हैं, तो याद रखना है 15। कुल न्यायाधीश की बात किया जाए कितने हैं? 15। अगर पूछा जाए इसका कार्यकाल कितना होता है, तो याद रखना है कार्यकाल होता है 9 साल। अच्छा, इनका काम क्या है ये देखो, इनका कार्य क्या है? इनका कार्य है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का दो देशों में अगर विवाद हो जाती है, जैसे कुलभूषण जाधव का मुद्दा आया था अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में, तो दो देशों में अगर विवाद होता है, तो उन दो देशों के बीच में झगड़ा जो है उनको निपटारा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। लेकिन इसे विकसित देश नहीं मानता है, इसका जो स्थायी सदस्य देश है उसे खुद नहीं मानता है, ये विकासशील देश से ऊपर थोप देता है कि भाई तुम मानो,
ठीक ना, जिसे अंतरराष्ट्रीय न्यायालय से रशिया को हटा दिया क्योंकि यूक्रेन विवाद की वजह से, ठीक ना। कुल न्यायाधीश 15, कार्यकाल 9 साल, ठीक ना। और आपको याद रखना है कि 3 वर्ष में 5 न्यायाधीश बदलते रहते हैं। 3 वर्ष में कितने न्यायाधीश बदलते हैं 5 न्यायाधीश। पहले जो न्यायाधीश थे भारतीय, पहले भारतीय न्यायाधीश थे हमारे संवैधानिक सलाहकार बीएन रॉ। कौन थे संवैधानिक सलाहकार? हमारे संविधान के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बीएन रॉ। हम आपको सुबह 9 बजे संविधान के क्लास में भी पढ़ाए थे। पहले भारतीय न्यायाधीश थे बीएन रॉ और पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश थे नागेंद्र सिंह। दोनों में अंतर है, देखिएगा कहीं कहीं आपको लिखा रहेगा नागेंद्र सिंह, तो उनमें यही याद रखिएगा कि वह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले थे नागेंद्र सिंह, लेकिन पहले भारतीय न्यायाधीश थे बीएन रॉ। ये दोनों में अंतर है। अभी वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में 2 बार चुने गए हैं। कौन है? दलवीर भंडारी। कौन है? दलवीर भंडारी। अगर मान लो कि भारत पाकिस्तान के बीच से अगर कोई युद्ध चल रहा है, या मान लो कि भारत पाकिस्तान कुलभूषण जाधव का मुद्दा था, तो उस देश से नहीं चुनी जाएगी। यानी अगर वह मुद्दा का निपटारा होगा तो वहां से 2 न्यायाधीश नहीं जाएगी, ठीक ना। वहां से 2 न्यायाधीश एक देश से, जैसे भारत से 2 न्यायाधीश या पाकिस्तान से 2 न्यायाधीश उसमें शामिल नहीं होगा, ठीक ना। अगर इनकी कोरम की बात किया जाए, जैसे कि गणपूर्ति के लिए कम से कम कितना सदस्य होना चाहिए, तो 9 मेंबर चाहिए, ठीक ना। गणपूर्ति के लिए इनकी कार्यवाही को पूरा करने के लिए न्यूनतम 9 मेंबर चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का भी अपना एक अनुच्छेद है जिसमें 70 अनुच्छेद पाए जाते हैं। कितने अनुच्छेद है? 70। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का स्थापना 1946, हेडक्वार्टर द हेग, कुल न्यायाधीश 15, कार्यकाल 9 वर्ष। और आपको पता होगा कि इनमें 3 वर्ष पर प्रत्येक 5 न्यायाधीश का क्या किया जाता है? अवकाश ग्रहण किया जाता है। 3 वर्ष पर 5 न्यायाधीश का अवकाश ग्रहण होता है। और पहले भारतीय न्यायाधीश थे बीएन रॉय, जो हमारे संवैधानिक सलाहकार थे। वर्तमान जो है दलवीर भंडारी, और इनमें कोरम के मेंबर होना चाहिए 9। अब यह क्या करता है, 2 देशों के बीच में अगर झगड़ा है तो उनके निपटारा करते हैं, 2 देशों के बीच के झगड़े का निपटारा करते हैं, ठीक। तो अब देखो, मैं कुछ आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं। बहुत सारे लड़का ने कहा कि सर आप पेड फोर्स लाओ, क्या आप लोग सहमत है? पेड फोर्स हम लाना चाहे तो मिनिमम फी में आप कह सकते हो या तो 99 या तो 49, ज्यादा से ज्यादा। आज तक मैंने कभी भी आप लोगों को, चाहे पॉलिटी पढ़ा रहा हूं सुबह में, इतना डीप नॉलेज आपको दे रहा हूं सुबह 9 बजे, आप एक चीज का अनुमान लगा सकते हैं कि आपको मैं एक अपना एक परिवार मानता हूं। इसलिए मैंने आज तक कभी भी पेड कोर्स नहीं दिया, 1 साल से आपको फ्री में ही पढ़ा रहा हूं। और आज भी अगर आपका मन हो तो फिर भी पढ़िए, ऐसा नहीं है। जिनको पढ़ना है पढ़ सकते हैं, जिनको नहीं पढ़ना है कोई दिक्कत नहीं है पढ़ने में, ठीक ना। वो उसके लिए अपलोडेड वीडियो हो जाएगा। लेकिन जिनको लगता है कि मुझे बिल्कुल नहीं आता है, मुझे इंटरेस्ट नहीं आता है करंट अफेयर्स में और या स्टैटिक जीके में, तो वादा करता हूं जो लड़के मुझसे पढ़े होंगे उनसे बस पूछ लीजिएगा कि सर कैसे पढ़ाते हैं और कितना एग्जाम में टकराया। और मैं कुछ अपने से बड़ाई नहीं करूंगा, खुद लड़के बता देंगे। इसमें आपको पता होगा कि पेड कोर्स में आपको टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ाऊंगा, टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ाऊंगा, या तो 99 रखूंगा या तो 49, आप ही लोग के अनुसार, ठीक ना। ज्यादा से ज्यादा कम फी में और टॉपिक बाय टॉपिक, ये 2 महीने का कोर्स चलेगा, 2 महीने का ये कोर्स चलेगा। और याद रखिएगा, इसमें स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स का पूरा कंप्लीट सिलेबस दूंगा। 2 महीने का कोर्स होगा, टॉपिक बाय टॉपिक होगा स्टैटिक जीके का, लेकिन ये मंडे टू सैटरडे चलेगा, मंडे टू सैटरडे के बीच तक चलेगी। और आपको पता होगा सैटरडे को इसमें 2 घंटे का क्लास दूंगा और मंडे टू सैटरडे, और आप ही लोग के टाइम के अनुसार दूंगा, ठीक ना। ज्यादा लोगों की सहमति के अनुसार उसी अनुसार देंगे। और याद रखिएगा, ये 99 या तो 49, ठीक ना, या तो 99 या तो 49, क्योंकि आप लोग मेरा एक परिवार है, ठीक ना। परिवार के सामने हर चीज खुल के बोलना चाहिए। देखिए, मैं ये नहीं बोलता हूं कि मैं टाइमिंग आप ही लोग से पूछूंगा, ऐसा नहीं कि मैं अपनी मर्जी से कुछ बोलूंगा, तो रियलिटी ये है। तो मैं पहली बार दे रहा हूं, और जिनको पढ़ना है, जिनको नहीं पढ़ना है, तो आप ये वीडियो अपलोडेड देखिए, सुबह वाली वीडियो देखिए पॉलिटी का, क्योंकि ऐसा क्लास फिर से वो प्राइवेट हो जाएगी वीडियो, फिर जिंदगी में आपको ऐसा क्लास नहीं मिलेगा, जिंदगी में ऐसा आपको फिर क्लास नहीं मिलेगा जो पॉलिटी का दे रहा हूं। फिर से मैं ऐसा पढ़ाऊंगा नहीं, क्योंकि आपको मैं पढ़ा चुका हूं। फिर से अगर वो कोर्स आएगी तो मेरा फिर पेड कोर्स आ जाएगा पॉलिटी हिस्ट्री का। इसलिए मेरे भाई, अगर आपको पढ़ना है तो फ्री क्लासेस है, वो प्राइवेट हो जाएगी, इसलिए वीडियो उसको जरूर देखिए। सुबह 9 बजे लाइव क्लास चलती है पॉलिटी का, उसके बाद हिस्ट्री का, और संडे को स्पेशल क्लास चलता है जैसे कि गांधी जी का। आप पॉलिटी का इसमें लिंक डाल दिया हूं, उसे जरूर देखिएगा वीडियो, क्योंकि उससे बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा और उससे 100 to 100% क्वेश्चन टकरा जाएगी, ये मेरी गारंटी है। पॉलिटी से 3 क्वेश्चन ग्रुप डी में, उससे रिलेट जितने करंट अफेयर्स है पॉलिटी से उसी क्लास में हम बताएंगे, ठीक ना। लेकिन इससे जितना भी है करंट अफेयर्स का 15 मिनट का
अपलोडेड वीडियो आपको अपलोडेड होते रहेगा। लेकिन इसमें अगर आपको पढ़ना है कि आपको लगेगा कि जीरो लेवल से हमको पढ़ना है, तो टॉपिक बाय टॉपिक यानी फाउंडेशन की तरह मैं पढ़ा दूंगा करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके। लेकिन दो मंथ आपसे समय लूंगा और तीन मंथ तो आपका एग्जाम होने वाली है नहीं, इसलिए दो मंथ में ये आपका हम कंप्लीट कर दूंगा, ठीक ना। तो दो मंथ में ये आपका कंप्लीट होगा। जिनको पढ़ना है मेरे भाई पढ़ सकते हैं। अगर फिर आपका भी मन नहीं करेगा कि नहीं सर को नहीं लाना चाहिए, तो हम वो भी नहीं लाएंगे, आपको फिर पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। हम कभी नहीं चाहते, हम आप ही लोग का चाहते हैं कि आप लोग का भला हो, जैसे भी हो आप लोग रिजल्ट लो, बस उससे मतलब है। इसलिए मैंने आज तक कभी पेड कोर्स नहीं दिया, नहीं देना भी नहीं चाहता। लेकिन अगर चाहते हैं, जिसको पढ़ना चाहते हैं तो पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। नहीं पढ़ना चाहते नहीं पढ़िए। जिनको वीडियो अपलोडेड है वीडियो अपलोडेड देख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको पढ़ना ही पड़ेगा तब ये रिजल्ट होगा, इससे नहीं भी पढ़िएगा तो आपको अगर चाहते हैं बेसिक नॉलेज तो इससे पढ़ सकते हैं, ठीक ना। सुबह 9 बजे लेकिन लाइव जरूर रहिए, वो पॉलिटी का क्लास, फिर वो वीडियो प्राइवेट हो जाएगा, तो फिर नहीं कहिएगा सर प्राइवेट क्यों कर दिए, ठीक ना। क्योंकि मैं उसको 3 से 4 घंटे मेहनत करके बनाता हूँ और इतना जबरदस्त नोट्स बना के देता हूँ और इतना बेहतरीन तरीका से पढ़ाता हूँ, इसलिए, ठीक ना। तो आज के लिए बस इतना ही मेरे भाई, मिलते हैं। ये नेक्स्ट वीडियो दिन आपका अपलोडेड हो जाएगा और हो सकता है तो संडे को आप शाम रात में 8 बजे मेरा गांधी जी का वीडियो क्वेश्चन वाला चलेगा, क्योंकि दो पार्ट पढ़ा चुका हूं गांधी जी से थ्योरेटिकल, और जो संडे को चलेगा कौन चीज का पार्ट, गांधी जी से रिलेटेड करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगभग 100 क्वेश्चन वो कंप्लीट करा दूंगा। इस सैटरडे होगा तो इस सैटरडे कुछ कांग्रेस का अधिवेशन पढ़ा दूंगा, ठीक ना। आज के लिए बस इतना ही, लव यू मेरे भाई, लव यू।